गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो वो हमारे आते हैं इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। ये आपके वेरियस डायमेंशन हैं, वेरियस एरियाज हैं जहाँ जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है इन सब फैक्टर्स की वजह से। अब ये फैक्टर्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपके मनी से रिलेटेड जो भी रेट्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी टैक्स रेट्स हैं, वो सब जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिनका इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ता है, जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की सेल्स पे असर पड़ता है, परफॉर्मेंस की असर पड़ता है, वो सारी पॉलिसीज़ को लेकर जब हम एक जगह फ्रेम करते हैं तो उसे आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो बाहर के जो फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। अब उनमें से हमें क्लासिफिकेशन करना है डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो पहला आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के रेट्स आते हैं, मॉनेटरी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। इस सोशल एनवायरनमेंट में जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हम वहाँ पर अपनी सोसाइटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इंडियन फेस्टिवल्स के हिसाब से प्रोडक्शन करने की? हम यूएस के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमें पता है कि डिमांड यहाँ पर किसकी है। तो जब आप एक रीजन में जाते हैं, किसी आप पर्टिकुलर प्लेस पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप ये हमेशा देखते हैं कि वहाँ पे आसपास में रीजन कैसा है, वहाँ पे कैसे कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं, कैसे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, कस्टम्स वैल्यूज़ क्या हैं। तो जब आप उनके हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हो, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हो, वहाँ के कस्टमर्स को प्रेफरेंस देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो परफॉर्मेंस है बिजनेस का वो रैपिडली इंक्रीज और इम्प्रूव कर जाता है। यही पूरा आपका कहना चाहता है सोशल एनवायरनमेंट। आगे, दीज गिव फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मार्केट। अब इतने सारे जब आपके प्रोडक्ट होंगे तो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो फ्रीडम देता है मार्केट में कस्टमर को कि आपको जो आपको पसंद है आप वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर भी और इस टाइम भी कि एक वर्ड होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि एक बिजनेस है, अगर वो एक जगह पे एस्टैब्लिश हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपना बिजनेस वहाँ चलाएगा, उसे ये भी देखना ज़रूरी है कि आसपास के एरिया में एटलीस्ट वो 5% का कंट्रीब्यूशन करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करे। अगर आप किसी भी एरिया में चले जाएं जहाँ पर एक इंडस्ट्री इस्टैब्लिश है, तो आप देखेंगे कि वहाँ के आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में रोड्स अच्छी होंगी, लाइटिंग्स अच्छी होगी, फैसिलिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनके ऊपर ऑथराइज्ड है कि एक बिजनेस अगर कहीं पे सर्वाइव कर रहा है तो वो आसपास के एरिया में अपने प्रॉफिट से 5% का कंट्रीब्यूशन करे वहाँ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये सोशल एनवायरनमेंट में आता है। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब कि सोशल एनवायरनमेंट ये भी कहता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट एंड क्रीड और कल्चर के पर्सन को आपको जॉब नहीं देनी है। एम्प्लॉयमेंट अगर किसी के पास स्किल्स है तो आपको देना है, उसके बैकग्राउंड देखकर आपको उसको जॉब नहीं प्रोवाइड करनी है। क्लियर?
नेक्स्ट इज आर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सबको पता है जो चेंज इन टेक्नोलॉजी आती है उसकी वजह से, ठीक है। इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास इंडियन रेलवेज का। पहले क्या होता था, हम लोग को जाकर जो आपके काउंटर्स होते थे वहाँ से जाकर, विंडो से जाकर आपको टिकट लेनी पड़ती थी। क्या अब आपको कितने साल हुए होंगे या आपके फैमिली मेम्बर से कितने साल हुए होंगे वहाँ पे गए हुए? अब क्या करते हैं, IRCTC का हमने साइट ओपन किया, लॉगिन किया अपना ID बना के, जितनी टिकट चाहिए उतनी टिकट वहाँ से बुक कर ली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। क्या हुआ, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जहाँ पहले आप काउंटर पे, पहले आप स्टेशन जाते थे आधे घंटे पहुँचते थे, दो घंटे लाइन में लगेंगे, उसके बाद भी टिकट मिले ना मिले पता नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, आप IRCTC की साइट आपने ओपन करी, आपको जहाँ से जहाँ जाना है वहाँ का आपने लोकेशन डाला और उसमें जितनी भी ट्रेन्स वहाँ से पास ऑन करेंगी उन सबका वहाँ पे पूरा ब्यौरा आ गया। आपने अपना टाइम मैच करके उस हिसाब से टिकट बुक कर ली, तो आपके लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम सेव हो गया ना, कन्वीनियंट हुआ ना। और ये चीज़ रेलवेज़ को भी कितनी हेल्पफुल रही कि उनके पास इतना हेक्टिक नहीं हुआ, इतनी भीड़ नहीं हुई, वहाँ पे भीड़ कम हो गई। कहीं पर भी जाते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक वे है। अब पहले क्या होता था, हम लोग बस में भी रोडवेज में भी ट्रैवल करते थे तो जो कंडक्टर होते थे वो पर्ची बना बना के टिकट बनाते के देते थे, प्रिंटेड उनके पास होता था। अब क्या, उतना टाइम उनको नहीं लगना, अब उनके पास अपना सिस्टम है, उस पर उन्होंने टाइप किया, स्लिप निकाली, आपको दे दिया। यही होता है, ATMs कितने अच्छे आ गए, सब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ही तो है, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस में काफ़ी अच्छा चेंज आता है। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स या जो गवर्नमेंट है जो सिलेक्टेड है इस टाइम पर, उसका मेजर रोल होता है एक बिजनेस को रन करने का। अगर वो स्टेबल है, वो ढंग से ऑपरेट कर रही है तब तो ठीक है, वो अनस्टेबल है, कभी इनकी पार्टी में कभी उनकी पार्टी में, कभी इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है कभी उस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, आपको काम नहीं करने दे रही है, तो उस केस में भी तो बिजनेस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो स्टेबल हो, तो ही कोई बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। वरना अगर वो मतलब जिद पे आ जाए कि नहीं आपका बिजनेस तो चलने ही नहीं देना है क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है आपका वो उनका बहुत अच्छा रिलेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका बिजनेस जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत है लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल और बायस वे नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का अगर एक बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फिडेंस कैसे, जब स्टेबिलिटी है वहाँ पे तो बिजनेस अच्छे से रन करेगा तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा भी। जब स्टेबिलिटी है ही नहीं, पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ भी करवा देते हैं तो उसमें वहाँ पे बिजनेस सही से रन करेगा नहीं, तो जब बिजनेस सही से रन कर नहीं रहा तो कोई इन्वेस्ट क्यों करे वहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल का मतलब आपको पता है, लेजिस्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पूरा उसी से रिलेटेड। इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मैनेजमेंट नीड्स टू ओबे दीज लॉ एंड ऑर्डर। प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी केप्ट विद द मैनेजर्स। हमें ये पता है कि लॉ एंड ऑर्डर पास करता है जो लेजिस्लेशन होता है वो, और हमें ये भी पता है कि एक जगह पे अगर आपको ऑपरेट करना है, बिजनेस रन करना है, तो वहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मैनेजर्स हैं उसे पहले से पता हो कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर है। तो इससे क्या होगा, उनको वहाँ पे फंक्शन करने में इजी हो जाएगा। जैसे आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल जैसे ही आपने एडमिशन लिया आपको डायरी मिल जाती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है।
आपको पता है आप वो पढ़ लीजिए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पहले से पता है कि अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको आपने वायलेट किया आप स्कूल से निकाल दिए जाओगे। तो आपको पहले से पता कर दिया गया ना, पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया, तो इससे क्या होगा कि आप सही से फंक्शन करोगे। वही चीज़ मैनेजर्स के साथ होती है। अगर उनको मैनेजर्स को पता है कि हमें कैसे फंक्शन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को हमें कैसे फॉलो करना है, तो वहाँ पर उनके लिए सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो पांच तरीके के एनवायरनमेंट है हमारे, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, तो ये पांच हमने आज यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। टुमारो विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है।